वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ एमडी रहेजा ग्रुप नवीन रहेजा जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, माफ कीजिएगा, चेयरमैन रहेजा ग्रुप जुड़ रहे हैं। नवीन रहेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे सरकार के इस कदम से क्या आप मानते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा था, आप उस इंडस्ट्री को जरूर बूस्ट मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सारे एवेन्यूज को खोलने की कोशिश कर रही है जिससे इन्वेस्टमेंट आए और ये सेक्टर को ट्रिगर मिले, क्योंकि इस सेक्टर को अगर ट्रिगर मिलता है तो उसके साथ रिलेटेड 250 इंडस्ट्रीज हैं जी, तो एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ट्रिगर मिलता है इसके साथ। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है और एफडीआई किसी भी फॉर्म में अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है तो ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेरे ख्याल से सब एक्शन जो कर रही है वो पॉजिटिव एक्शन कर रही है सरकार, तो कोशिश जी बताइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि एफडीआई जो है पहले 50,000 स्क्वायर मीटर्स के प्रोजेक्ट्स पे परमिटेड था, लास्ट ईयर इसको 20,000 पे भी कर दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया था जी। लेकिन अब जो किया है, जो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कर दिया है, तो मेरे ख्याल से छोटे प्रोजेक्टों में भी अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से लाना चाहें तो ला जी, सकते हैं जी, बहुत इस तरीके से एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स जो प्रोजेक्ट लेवल पे भी आ सकती है जी। बहुत शुक्रिया रहेजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए।